नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को कवर करेंगे। खासकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, मेन रूप से हम लोग पढ़ेंगे ड्राइंग बोर्ड के बारे में, यानी कि ड्राइंग बोर्ड होता क्या है, इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, इसका डेजिग्नेशन क्या होता है, ये कौन सा सीट के लिए कौन सा ड्राइंग बोर्ड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो ये सारा करके हम ड्राइंग बोर्ड को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा पेंसिल। पेंसिल जनरली हम लोग एक सिंगल पेंसिल मतलब समझते हैं कि एक पेंसिल है, लेकिन अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पेंसिल जो होगा, बहुत सारे पेंसिल को हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि लगभग 20 टाइप के पेंसिल को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड कवर करने के बाद उसके बाद बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ेंगे पेंसिल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ड्राइंग बोर्ड के बारे में। ड्राइंग बोर्ड का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो स्वाभाविक है कोई भी आपका ड्राइंग शीट है तो कहाँ पे रख के बनाएंगे, ज़मीन पे? नहीं, हवा में? तो लटका के बनाएंगे क्या? तो नहीं। तो उसको रखने के लिए, उसको सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होता है, जिसको हम लोग ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं। ये अपना ड्राइंग बोर्ड है, यानी कि इसके ऊपर हम ड्राइंग शीट को सेट करते हैं, और सेट करने के बाद फिर स्केल के मदद से या ड्राफ्टर के मदद से, पेंसिल के मदद से हम लोग अपना ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। तो ये ड्राइंग बोर्ड का जो, ये ड्राइंग बोर्ड जो है अपना, ये हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ड्राइंग शीट के सपोर्ट के लिए, और उसके ऊपर रख के हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं जो सभी इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट करता है। दैट मीन्स ड्राइंग बोर्ड का जो काम होता है वो ड्राइंग करने के लिए उसको सपोर्ट देता है, यानी कि या तो ड्राइंग शीट उस पर रखो, ड्राइंग शीट रखने के बाद अगर मान लो पेंसिल उस पर चला रहे हैं तो पेंसिल जो है चलाने के लिए नीचे जब तक सपोर्ट नहीं देंगे तो वो क्या होगा, चल नहीं पाएगा। तो उसमें क्या है कि पेंसिल को भी वो सपोर्ट करता है, यानी कि ड्राइंग शीट और ड्राइंग शीट के अलावा जो भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जो ड्राइंग करने में मदद करती है उस सभी को वो सपोर्ट करता है। वैसा ऑब्जेक्ट हुआ तो वुडन का हो सकता है या कोई मटेरियल का हो सकता है। तो जनरली हम लोग वुडन का बनाते हैं, चीप सस्ता भी होता है और बल्कि भी नहीं होता, यानी कि वेट कम होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाने में आसानी होती है। तो इसीलिए जनरली हम लोग वुडन ब्लॉक का ड्राइंग बोर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ड्राइंग बोर्ड जो है वो कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर में हम लोग देखेंगे कितने टाइप का होगा, जितने टाइप का होगा उतना सीरियल नंबर हम लोग डालेंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन, इसको कैसे डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग इससे पहले सीट पढ़े थे तो ड्राइंग शीट में क्या था कि उसको ए से डिनोट करते थे, ए नोट, ए वन, ए टू। इसी प्रकार इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो जनरली इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ द साइज ऑफ सीट, मतलब किस साइज ऑफ सीट के लिए कौन सा ड्राइंग बोर्ड हमें चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्राइंग बोर्ड का डिजिग्नेशन देंगे। जिसके सीट के जैसा सीट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें ड्राइंग बोर्ड को ख़रीदना होगा, यानी कि ड्राइंग बोर्ड लेना होगा। अब डायमेंशन, जैसे उसमें देखे थे ड्राइंग सीट का डायमेंशन, तो स्वाभाविक है ड्राइंग सीट जब हम किसी टेबल पर रख रहे हैं तो सीट का साइज टेबल के साइज से छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स टेबल का जो साइज होगा, जो हमारा सीट का साइज था उससे बड़ा होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं जो सीट का साइज होगा वो उससे छोटा होगा, यानी कि ड्राइंग बोर्ड का जो साइज होगा वो अपना बड़ा होगा, तभी एक उसको उसके ऊपर हम लोग ड्राइंग शीट को रख सकते हैं। जनरली चार टाइप का जो होता है अपना ड्राइंग बोर्ड होता है। अब देखिए इसमें हमें पता है कि डेजिग्नेशन हम इसको डी से देते हैं, तो डी वन जो हो जाएगा, ये अपना डी वन की बात कर रहे हैं, तो ये जो डी वन हो जाएगा, डी डी नोट, डी वन, डी टू
एंड D3, ये चार टाइप का हमारा ड्राइंग बोर्ड का ये नाम हुआ है। अगर कोई पूछेगा आपका सबसे लार्जेस्ट टाइप ऑफ ड्राइंग सीट कौन सा होता है, तो आपको बताना होगा A नोट, क्योंकि सीट की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग ड्राइंग बोर्ड की बात कर रहे हैं तो D से डिनोट करेंगे, या कहीं कहीं B से भी डिनोट कर रखते हैं, तो जनरली D से ही करते हैं। तो D नोट सबसे लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड हो जाएगा, और सबसे स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग सीट पूछेगा तो A4 होता है। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड की बात करेंगे तो आपका A3 होगा। तो ये ध्यान रखना है, A3 A4 नहीं। अब A4 जो बोलेंगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है किसके अकॉर्डिंग, ISO स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ISO स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अब ये तीनों साइज होगा। अब उसके बाद ये जैसे डीनोट किसको, अगर हमें मान लो कौन सा सीट उपयोग कर रहे हैं कि डीनोट टेबल का हमें ज़रूरत पड़ जाएगा, तो अब इसमें देख सकते हैं A1, और A1 के लिए D1 चाहिए, A नोट के लिए D नोट चाहिए, A2 के लिए D3, और A3 के लिए आपको D3 चाहिए, है ना। और A4 के लिए कोई भी ड्राइंग टेबल नहीं आता है, वो सबसे छोटा होता है, उतना टेबल आपको छोटा साइज में नहीं दिखेगा। जैसे आप लोग ठंडा के दिन में क्या करते हैं कि बेड पे ही रख के टेबल को पढ़ते हैं, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग टेबल होता है जो D3 साइज का होता है। अब उसका डायमेंशन क्या होता है तो एक बार देख लेते हैं। ए नोट का डायमेंशन क्या, यानी कि डी नोट का डायमेंशन ड्राइंग टेबल में अगर हम देखें तो क्या होगा, तो डी नोट का अगर आपको डायमेंशन देखना है तो डी नोट का जो डायमेंशन होता है ये सबसे लार्जेस्ट साइज, अगर हमें कहें सबसे लार्जेस्ट, ये 1500 ये लंबाई होता है और 1000 इसका चौड़ाई होता है। उसी प्रकार जैसे हम लोग ड्राइंग शीट में पहला डायमेंशन याद रखेंगे, उसके अलावा सब याद रहेगा। तो इसका जो विड्थ होगा, इसका लेंथ हो जाएगा, यानी कि A1 का लेंथ कितना हो जाएगा, जो उसका विड्थ होगा 1000, और ये जो है 1500 इसका आधा कर लो तो 750 होता है, लेकिन ये 700 लिया जाता है ना। तो पहले यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग है, अदरवाइज सब जगह सही होगा। तो यानी कि 1000 × 700। अब 700 इसका विड्थ है, इसका लेंथ हो जाएगा, और ये 1000 इसका क्या है, लेंथ, तो इसका ये हाफ कर देंगे तो ये विड्थ हो जाएगा। उसी प्रकार अब जो ये विड्थ है इसका लेंथ हो जाएगा, और उसका जो लेंथ था उसको अगर हम हाफ कर दें, यानी कि 700 को हाफ कर देंगे तो 350 इसका विड्थ हो जाएगा, यानी कि D3 साइज का। तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो सबसे पहला डायमेंशन याद करना है, रखना है आपको 1500 × 1000। अब 1500 को आधा कर दो तो सिर्फ इतना चेंजिंग रखना है, यहाँ 700 लेना है, 750 नहीं लेना है, और 1000 इसका लेंथ हो जाएगा। अब यहाँ से जब 700 लेंगे तो यहाँ के बाद कोई दिक्कत नहीं है, 700 जो होगा D2 का जो है लेंथ हो जाएगा, और 1000 का हाफ करेंगे तो 500 क्या हो जाएगा, उसका विड्थ हो जाएगा। उसी प्रकार अब जो 500 है वो D3 का जो है लेंथ हो जाएगा, और 700 का हाफ करेंगे 350 जो है आपका D3 का विड्थ हो जाएगा। तो ये आपका डायमेंशन हो जाएगा ड्राइंग बोर्ड के बारे में। तो ड्राइंग बोर्ड में कुछ करना नहीं है, जो अब हम लोग ड्राइंग सीट को अच्छा से पढ़ लिए तो ड्राइंग बोर्ड इसलिए हम लोग को सिंपल लगेगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड में बस ये डायमेंशन ध्यान रखना है। अदरवाइज साइज जो है जैसे हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन सिमिलर ही है, कहीं पे कोई बदलाव तो है नहीं, इसलिए उसको हम लोग ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है ड्राइंग बोर्ड को। हाँ, अब हम लोग जो पेंसिल पढ़ेंगे उसको हम लोग थोड़ा और बेहतरीन ढंग से देखेंगे, क्योंकि इसमें बस एक डायमेंशन याद रहेगा तो ये सारा चीज़ याद रहेगा। ध्यान रखना है कि ड्राइंग सीट जो होता है उसको हम लोग A नोट से डिनोट करते हैं, यानी कि A से डिनोट करते हैं, ड्राइंग बोर्ड को हम लोग D से डिनोट करते हैं। और ये थोड़ा भी ध्यान रखना है कि A नोट के लिए D नोट, A1 के लिए D1, A2 के लिए D2, A3 के लिए D3, ये सीट का हम लोग उपयोग करते हैं, इस ड्राइंग बोर्ड का उपयोग करते हैं इस सीट के अकॉर्डिंग। तो कौन सा सीट के लिए कौन सा ड्राइंग बोर्ड चाहिए ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। तो 1-1 से ध्यान रखेंगे, इसमें ध्यान रखने वाली कोई बात तो है नहीं। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेंसिल पे। अब देखिए पेंसिल करता क्या है, तो पेंसिल आपको ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए हम लोग पेंसिल का उपयोग करते हैं, जो कोई भी लाइन को ड्रॉ करता है। अब देखिए पेंसिल को हम लोग जो होता है वो कौन सा मटेरियल का बना होता है, तो सबसे पहले आपको पता है, जनरली आपको बचपन में बताया गया होगा कि वो ग्रेफाइट का बना होता है,
सिंपल ग्रेफाइट का वाकई में बना होता है, जो अंदर ऊपर में वुडन ब्लॉक रहता है, अंडर में लीड लगा रहता है, लीड बोलते हैं उसको, लीड है ना। तो वो लीड जो होता है वो ग्रेफाइट का मटेरियल का बना होता है, ग्रेफाइट। अब उसमें जो है कुछ परसेंटेज जो है कले का डाला जाता है, कले मतलब मिट्टी, मिट्टी को का भी परसेंटेज होता है। मान लो कि अगर ग्रेफाइट 90% है तो 1% के आसपास, 1% से कम ही हम ग्रेफाइट को डालते हैं, सॉरी क्ले को उसमें मिलाते हैं। तो ये आपका ग्रेफाइट, उसमें ग्रेफाइट में हम लोग क्ले को मिक्स करके बनाते हैं, जिसको हम लोग लीड बोलते हैं। अब लीड के कारण ही हमारा पेंसिल जो है चेंज होता है, यानी कि पेंसिल का नाम जो है लीड के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रहा है। अगर लीड ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, यानी कि चलाने के बाद जो है डार्क दिख रहा है, तो उसका अलग नाम होगा। अगर बहुत सारा पेंसिल देखते होंगे बहुत एकदम ज़्यादा डार्क दिखता होगा, कोई पेंसिल को कितना भी शार्प कर दो वो क्या होगा कि डार्क नहीं दिख पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पेंसिल का टाइप है, और वो पेंसिल में डार्कनेस किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम है, यानी कि ब्लैकनेस की बात करें, किसी में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा। अब इतना ध्यान रखो, जो पेंसिल ज़्यादा ब्लैक दिखेगा ड्रॉ करने में, वो पेंसिल आपको जल्दी शार्पनर से टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी पेंसिल होता है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन जो पेंसिल ज़्यादा डार्क नहीं होगा चलने में, वो पेंसिल हार्ड होता है, वो जल्दी आपको नहीं टूटने वाला है। तो ये हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब देखिए पेंसिल में क्या है कि ये आपका पेंसिल है HB पेंसिल, जहाँ पे देखिए ये गोला लगा हुआ है, ये आपका जो गोला लगा हुआ है ये HB पेंसिल है। अब HB पेंसिल के बाद होता है B पेंसिल, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B, 8B और 9B तक होता है ना। 9B तक होता है पेंसिल आपका, 9B तक होता है। और ऐसे ही इधर हम आएंगे तो F एक फाइन पेंसिल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फाइन पेंसिल है, और यहाँ पे H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H और यहाँ 9H तक पेंसिल होता है, ठीक है। तो टोटल कितना पेंसिल हो जाएगा, तो 9 इधर, 9 इधर, कितना हो गया 18, और HB पेंसिल हो गया एक 19, और एक F पेंसिल हो गया, फाइन पेंसिल बोलते हैं, नाम है इसका, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है कि HB F का मतलब क्या होता है। तो ये आपका पेंसिल का नाम हुआ। अब HB यानी कि B और H का क्या मतलब हो? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे B और H का मतलब होता है कि HB का क्या मतलब हुआ है। H जो है हमेशा आपको हार्डनेस को शो करेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा H हमेशा जो है हार्डनेस को शो करेगा। तो H हार्डनेस को शो करेगा, यहाँ पे आपको सही से देखिए H जो है हार्डनेस को शो करेगा, और B जो है ब्लैकनेस को शो करेगा। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में आप जाइए तो हमारा जो पेंसिल का जो है वो ब्लैकनेस बढ़ेगा, और इस डायरेक्शन में अगर आप आइए तो आपका जो पेंसिल का जो होगा उसका जो है ब्लैकनेस घटेगा, दैट मीन्स हार्डनेस इंक्रीज करेगा। वहाँ डायग्राम में भी आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में जितना भी आ रहे हैं तो लीड का जो थिकनेस है या कह सकते हैं ब्लैकनेस जो है वो इंक्रीज करते चला जा रहा है। अगर इस डायरेक्शन में आएंगे तो ब्लैकनेस डिक्रीज करेगा, अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ब्लैकनेस इंक्रीज करेगा। तो वो डिपेंड करता है उसके हार्डनेस के ऊपर, मटेरियल के ऊपर। और स्वाभाविक है अगर आपका सॉफ्ट पेंसिल होगा तो उसका लीड जो होगा, ये वाला लीड जो है अंदर में जो ब्लैक दिख रहा है वो मोटा होगा। अगर इधर आएंगे तो देख लो ये वाला जो लीड है अंदर में, जो लीड डाला जाता है जो ग्रेफाइट मटेरियल का होगा वो पतला होगा। क्यों? जब हार्ड मेटल होगा तो स्वाभाविक है अगर वो पतला भी होगा तो जल्दी नहीं टूटेगा, लेकिन सॉफ्ट मेटल होगा तो अगर वो पतला होगा, सब मटेरियल होगा तो अगर वो पतला होगा तो जल्दी टूटने का चांस होता है। तो इसीलिए हम लोग जो ज़्यादा जल्दी टूटे तो उसका स्वाभाविक है डायमीटर ज़्यादा रखेंगे, इसीलिए जो ब्लैक ज़्यादा पेंसिल होता है उसका लीड थिकनेस हम लोग ज़्यादा रखते हैं, दैट मीन्स उसका लीड का डायमीटर जो होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जो हार्ड पेंसिल होता है उसका हम लोग लीड थिकनेस कम रखते हैं, क्योंकि उसमें अगर कम भी लीड थिकनेस रखेंगे तो हमारा जो है पेंसिल जल्दी टूटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे तीन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हार्डनेस, ब्लैकनेस और लीड थिकनेस, हम तीनों चीज़ को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले HB पेंसिल को हम लोग न्यूट्रल मान लेते हैं,
एचबी न्यूट्रल इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पे हार्डनेस भी है और ब्लैकनेस भी है, इसीलिए जब बचपन में हम लोग का टीचर बोलते थे कि बेटा पेंसिल खरीद लेना है, एचबी लेना है, एचबी ही क्यों बोलता था, क्योंकि उसमें दोनों का गुण अवेलेबल है, यानी कि हार्ड भी ज़्यादा नहीं है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, दैट मीन्स ये बीच में है, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग का टीचर यही पेंसिल रिकमेंडेड करते थे। नहीं तो आजकल एक्स्ट्रा डार्क भी चलता है ना, तो वो एक्स्ट्रा डार्क यहाँ पे हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, मेनली ये इंजीनियरिंग पेंसिल जो है यही सब है। अब यहाँ पे एचबी पेंसिल से राइट साइड आप मूव करो और एचबी पेंसिल से लेफ्ट साइड मूव करो, तो हम लोग तीन चीज़ों को फोकस करेंगे। सबसे पहले एचबी पेंसिल से राइट साइड चलते हैं, हार्डनेस क्या होगा, स्वाभाविक है ब्लैकनेस इधर जाने पे इंक्रीज करेगा तो हार्डनेस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि सॉफ्टनेस बढ़ता है, ब्लैकनेस बढ़ने से सॉफ्टनेस बढ़ता है, तो हार्डनेस क्या होगा, सॉफ्टनेस अगर बढ़ रहा है दैट मीन्स कोई मटेरियल सॉफ्ट होगा तो वो क्या होगा, हार्ड कम होगा, तो हार्डनेस इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो हार्डनेस इसका डिक्रीज कर जाएगा। स्वाभाविक है एचबी पेंसिल से राइट साइड जाएंगे, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9 तक होता है, तो 9B तक हम लोग जाएंगे तो ब्लैकनेस जो है राइट साइड में आप देख सकते हो ब्लैकनेस क्या है, बढ़ रहा है, तो राइट साइड जाने पे ब्लैकनेस बढ़ रहा है, दैट मीन्स ब्लैकनेस जो है इंक्रीज कर रहा है। अब स्वाभाविक है ब्लैकनेस बढ़ रहा है, हार्डनेस घट रहा है, दैट मीन्स सॉफ्टनेस बढ़ रहा है, तो जब कोई मटेरियल सॉफ्ट होगा तो उसका जो थिकनेस होगा, उसका जो डायमीटर होगा वो ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा रखेंगे दैट मीन्स लीड थिकनेस जो है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा, तो लीड थिकनेस जो है राइट साइड बढ़ेंगे तो धीरे धीरे इंक्रीज करना होगा, नहीं तो वो टूट सकता है, शार्प करने में जल्दी जल्दी टूट ही जाएगा, तो हम ड्रॉ किससे करेंगे, इसीलिए यहाँ से अगर जो ही आगे बढ़ेंगे तो इसका जो है लीड थिकनेस ज़्यादा होते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, दैट मीन्स अगर कोई पूछे कि 3B और 4B में लीड थिकनेस सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो स्वाभाविक है राइट साइड 4B आ रहा है तो 4B का लीड थिकनेस ज़्यादा होगा 3B से। अब इसी में पूछे 3B और 4B में हार्डनेस सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो स्वाभाविक है 3B और 4B में हार्डनेस जो होगा 3B का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन में है और इसका डायमीटर भी कम है, तो स्वाभाविक है हार्डनेस इसका ज़्यादा होगा तभी इसका डायमीटर हम लोग कम रखते हैं। और ब्लैकनेस की बात करेंगे तो स्वाभाविक है 4B ज़्यादा ब्लैक होगा 3B से। तो ये आपका एचबी पेंसिल यानी कि ब्लैक पेंसिल के बारे में हम लोग डिस्कस करें किए। अब हम लोग आते हैं हार्ड पेंसिल के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि एचबी पेंसिल से लेफ्ट साइड आएंगे तो पहला पेंसिल मिलेगा आपको फाइन पेंसिल, है ना, दैट मीन्स एचबी और फाइन में कोई पूछ दे कि सबसे ज़्यादा ब्लैक कौन होगा, यानी कि ब्लैकनेस किस में होगा, तो स्वाभाविक है एचबी में ज़्यादा ब्लैक, हार्डनेस तो फाइन पेंसिल में होगा और लीड थिकनेस सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो एचबी का होगा फाइन के टूर कंपेरिजन में। लेकिन ब्लैक बी पेंसिल, सिंपल बी पेंसिल की बात करें तो बी पेंसिल के कंपेरिजन में कोई पूछे कि ब्लैकनेस एचबी का कितना होगा, तो स्वाभाविक है बी पेंसिल के कंपेरिजन में एचबी का जो ब्लैकनेस होगा वो कम होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं एच पेंसिल, 2H पेंसिल, 3H पेंसिल, 4H, 6H, 7H, 8H, 9H तक आपको यहाँ पर मिलेगा पेंसिल। अब इधर जो ही आप मूव करोगे लेफ्ट साइड एचबी पेंसिल से, लेफ्ट साइड जब मूव करोगे तो इसका हार्डनेस क्या होगा, स्वाभाविक है हार्डनेस इसका इंक्रीज कर रहा है, देख रहे हैं ये डार्कनेस आपका डिक्रीज कर रहा है, हार्डनेस इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स हार्डनेस अगर किसी भी चीज़ का इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स सॉफ्टनेस उसका जो है डिक्रीज कर रहा होगा, और सॉफ्टनेस डिक्रीज कर रहा होगा, हार्डनेस बढ़ रहा है, दैट मीन्स ब्लैकनेस जो है घटेगा, क्योंकि एचबी से राइट साइड जाने पे राइट साइड जब मूव कर रहे हैं तो वो ब्लैकनेस जो है बढ़ रहा था, लेकिन जो ही लेफ्ट साइड मुड़ेंगे तो ब्लैकनेस जो है वो घटने लगे, तो ब्लैकनेस घट जाएगा, हार्डनेस जो है बढ़ जाएगा। अब स्वाभाविक है जब हार्डनेस हार्ड ज़्यादा मटेरियल होगा तो उसका जो डायमीटर होगा वो कम रखेंगे, तो स्वाभाविक है लीड थिकनेस भी लेफ्ट साइड आने पे घट जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि 2H और 3H में लीड थिकनेस जो है सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो स्वाभाविक है 3H पेंसिल जो है वो हार्ड होता है और 2H के कंपेरिजन में स्वाभाविक है 2H का जो डायमीटर होगा लीड का, वो लीड थिकनेस जो होगा, या लीड डायमीटर कह लो या थिकनेस कह लो, बात एक ही होता है, वो आपका 2H का ज़्यादा होगा, क्योंकि 3H के कंपेरिजन में 2H जो है वो ज़्यादा ब्लैक कह सकते हैं या 3H जो है ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं।
तो इसीलिए लीड थिकनेस जो होगा जो कम हार्ड होगा यानी कि 2H पेंसिल 3H के कंपेरिजन में कम हार्ड है तो स्वाभाविक है 2H का जो लीड थिकनेस होगा 3H के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं पेंसिल लीड को जब शार्प करते हैं तो वो दो तरीके से हम लोग शार्प करते हैं। बचपन में भी एक बार शार्पनर से करते होंगे, मान लो किसी के पास शार्पनर नहीं रहता था तो हम लोग क्या करते थे, ब्लेड से भी मार देते थे जल्दी 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 जल्दी। तो जब हम लोग शार्पनर से शार्प करते थे तो वो आपको कॉनिकल पॉइंट होता है और वो कॉनिकल पॉइंट ये बनाएगा, एकदम शार्प एकदम नोकीला बनेगा, तो इसको हम लोग कॉनिकल पॉइंट बोलते हैं। अब दूसरा होता है चिज़ल एज। चिज़ल एज में क्या होगा कि ये जो कॉनिकल आपका जो ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो ये बना हुआ है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एकदम एग्जैक्ट पॉइंट बना हुआ है, इस पॉइंट को यहाँ पे जो बना हुआ है ये एकदम नोकीला है, ये नोकीला को अगर हम लोग तोड़ दें आगे से तो उसको हम लोग बोलते हैं चिज़ल एज। अब यहाँ पे देखिए ये आपका चिज़ल एज हो जाएगा, देखिए आगे वाले पोर्शन को हम लोग तोड़ दिए तो ये आपका चिज़ल एज हो जाता था, है ना। तो ये चिज़ल एज हो गया, ये आपका कॉनिकल ए पॉइंट हो गया, है ना। तो दोनों को शार्प करने का दो तरीका है, यानी कि पेंसिल को शार्प करने का दो तरीका है। तो ये दोनों का अपना अपना यूजेज है। तो पहला का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो सिंपल कोई भी ड्राइंग करना होगा, कोई भी लेटर लिखना होगा या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन का मतलब कह सकते हैं कि जैसे आपको लेडर लाइन ड्रॉ करना है या एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करना है, डायमेंशन लाइन, तो सभी में हम लोग कॉनिकल पॉइंट का हम लोग उपयोग करते हैं जनरली, यानी कि 99% केस में इसका हम उपयोग करते हैं। हाँ, चिज़ल एज भी हम यूज करते हैं 5% मान लो 5% केसों में। वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जब कांस्टेंट थिकनेस लाइन ड्रॉ करना होगा तो उस समय हम लोग चिज़ल एज का उपयोग करते हैं। तो कांस्टेंट थिकनेस लाइन यानी कि डार्क लाइन या कोई कांस्टेंट थिकनेस लाइन ड्रॉ करना है ड्राइंग शीट पे, तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, चिज़ल एज का हम लोग उपयोग करके हम लोग अपने ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। तो इस ढंग से हम लोग कह सकते हैं कि पेंसिल को जनरली दो पार्ट में दो तरह से हम लोग शार्प कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहला हो जाएगा कॉनिकल पॉइंट, दूसरा हो जाएगा चिज़ल एज। तो ये आपका ऑल अबाउट हो गया पेंसिल के बारे में और ड्राइंग बोर्ड के बारे में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगले इंस्ट्रूमेंट के बारे में। थैंक यू।